गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो गाइज कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बड़े होंगे। गाइज मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और गाइज अभी होगी हूँ मैं नहा नहूँ के गाइज फ्रेश ना। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठी क्योंकि गाइज मेरे को जाना है हमीरपुर, क्योंकि गाइज कल मेरा एग्ज़ाम है। और गाइज पिछले कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि गाइज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और गाइज मूड भी कुछ ऐसे ख़राब सा था, तो फिर मैंने नहीं करा शूट। और वैसे भी गाइज ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैं क्या चलो नहीं भी बनाऊंगी तो कुछ नहीं है। वैसे भी गाइज कुछ नहीं करा मैंने कल, तो आज गाइज मैं उठ गई फटाफट से क्योंकि गाइज मेरे को कुछ भी नहीं आता है। कल एग्ज़ाम है, पढ़ना भी पड़ेगा, तो गाइज मैं पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर और फिर गाइज मैं जाऊँगी शाम के टाइम हमीरपुर। तो और गाइज आज ना इधर लाइट भी नहीं है, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कट लगा है, क्या बोल सकते हैं। और गाइज आज है 26 तारीख और गाइज आज है मेरे भाई का बर्थडे। गाइज गोलू राम का बर्थडे है आज, तो आप सभी उसको प्यारी प्यारी विशेस कर देना कमेंट बॉक्स में। गाइज प्यारा सा बर्थडे विश कर देना। तो गाइज आज है उसका बर्थडे, गाइज जबरा हो गया वो आज गाइज, तब आज वो है भी नहीं इधर, तो सेलिब्रेट भी क्या ही करना। मम्मी पापा ने बना दिया था गाइज सुबह हलवा, तो मंदिर में चढ़ा दिया। गाइज वो होता इधर तो सेलिब्रेट करते। वैसे भी गाइज ना उसको ना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो ना केक को कट करना ना ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसको नहीं अच्छा लगता कि हाँ केक कट करेंगे ऐसा वैसा। उसको ऐसा होता है कि हाँ कुछ खाएंगे पियेंगे बस, यही केक कट करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो गाइज वैसे भी है नहीं हो और केक कट वैसे भी नहीं होगा, तो गाइज आप सभी प्यारी प्यारी विशेष कर देना उसको कमेंट बॉक्स में। तो गाइज मैं भी पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर और फिर गाइज थोड़ा सामान वगैरह डालती हूँ और फिर चलते हैं हमीरपुर। और फिर गाइज 10 डेज़ के बाद है मेरा बर्थडे गाइज 6 मई को, 4-5 तारीख को गाइज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, 3-4 को है शायद गाइज, और गाइज 6 को है मेरा बर्थडे गाइज 10 दिन के बाद। गाइज लगातार ही हमारे फंक्शन लगे रहते हैं और उसके बाद गाइज फिर ख़त्म एकदम से ही, फिर हम बोर होते ऐसा होना थोड़ा, मतलब ये आए ना एक मंथ के बाद ऐसे ऐसे तब अच्छा लगता है, बट गाइज एक साथ ही आते हैं क्या कर सकते हैं गाइज। फिर सब मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। सो गाइज तो अभी मैं चल पड़ी गाइज दुकान गाइज मैगी लाने। गाइज माता जी बोल रहे हैं कि कुछ बनाते हैं, तो मैं क्या मैगी बना दो, भूख लग पड़ी है। और गाइस धूप देखो आज कितनी ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, क्या कर सकते हैं गाइस, गर्मियों के दिन आ गए हैं गंदे गंदे और ऊपर से लाइट भी नहीं है गाइस, आज फ़ोन में भी नहीं बैटरी नहीं, गाइस इतनी गर्मी लग रही है लाइट ही नहीं, क्या करें। सा गई मैं दुकान में गाइस, तो ले ली मैंने मैगी कोल्ड ड्रिंक भी और गाइस देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। गाइज लग बड़े मेरी माता जी गाइज मैगी बनाने। आज गाइज माता जी के लल्ले का बर्थडे है आया नहीं है तेरा भी आंदा। आज गाइज मम्मी की बेटी का बर्थडे है और गाइज बन गई मैगी भी, गाइज खाते हैं अब भी करते हैं शुरू। और फिर गाइज थोड़ी देर में मेरा जाने का टाइम हो जाएगा, फिर चली जाऊंगी गाइज में 4:30 लूँगी मैं बस गई सीधी हमीरपुर को, मिल जाएगी मेरे को यहीं से ही, पर आधे रास्ते तक जाना पड़ेगा पापा को छोड़ने क्योंकि गाइज हमारे इधर से बस नहीं जाती है, कि बस जाती है वो भी सुबह और शाम के टाइम गाइज वो वापस आ जाती है हमीरपुर से, जैसे कि बस चलती है हमारे इलाके में बहुत देर में। सो गाइज तो होगी मैं रेडी भी और गाइज चल पड़ी अभी हमीरपुर गाइज, दिख ही रहा गाइस तो चलती हूँ मैं अब, पापा जाएंगे मेरे को छोड़ने, टाइम भी हो ही गया गाइस को एग्ज़ाम है और कुछ भी नहीं पड़ा है, ऐसे ही बेकार सोने वाला है ये वाला भी, क्योंकि गाइस बहुत टफ है ये, बहुत ज़्यादा पहले आसान लग रही थी, फिर गाइस अब बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, देखते हैं गाइस जाके अब क्या बनता है क्या नहीं। बाय बाय माता जी, चल पड़े पापा को पहुंच गई हूँ गांधी चौक में। और गाइज मेरा फ्रेंड आ रहा है गाइज स्कूल टाइम का अनमोल, उसने बोला मेरा वेट कर ले गाइज, वो आया हुआ है इधर, गाइज कर रही मैं इसका वेट, आएगा थोड़ी देर में आ गया ये गधा गाइज, इतनी देर वेट करवाया इसने मेरे से। हाय गाइज कर हाय
गाइस नमूना है, गाइस नमूना एकदम लगा। गाइस हम ना साथ में पढ़े हुए हैं स्कूल टाइम में। ओके के दिख रहा हूं नहीं, बड़ी शर्मा लगी थी जो है कैमरे क्यों रेड थे सगल तो तुझे कोड़ी कुड़ी पसंद करने लग रही थी। हम कर देवा दिखा गाइस, इसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। क्यों आ रही है तुझे शर्म है? कैसे ऐसे बहुत बकवास करता है, जरा अपना बकवास इधर भी बोल। जो तू स्टेटस पे बोलता है वो इधर बोल, जो तू बकवास स्टेटस पे बोलता है वो इधर बोल जल्दी से। गाइस इसको बहुत शर्म आ रही है। ओए दास गाइस ये बहुत लंबा हो गया गाइस पहले से। गाइस पहले मेरे से भी छोटा होता था तो ज्यादा लंबा हो गया कुछ। गाइस हम कितने टाइम के बाद मिले, 2 साल बाद है ना, 2 साल के बाद मिले गाइस। आज हम इतने टाइम के बाद हुई हमारी गाइस मुलाकात, आज स्कूल टाइम के बाद गाइस आज ही मिले ना, मिले पहले पटन गाइस ऐसे मतलब ऐसे हाँ चलते फिरते गाइस। मैं स्कूटी पे जाती थी और ये बाहर खड़ा होता था अपनी शॉप के पास, ऐसे मिले। ओ मैडम रूम जाना है, रूम में चलते चलता रुकता, मैं मेरा फ्रेंड आया जरा मैं इससे बात कर। ज्योति चली गई और मैंने इसके पास गई तो अपना बैग भी भेज दिया। क्या ब्लॉगर ज़्यादा बकवास कर रहा है तू कैस कर लेते हम 5-10 मिनट बाद और फिर जाइए चलती हूँ मैं भी, ये भी इसको भी भेजती हूँ घर। हाँ जबरदस्त भेजूंगी मैं कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है फिर बाय, हाँ तो हम बेटी दौड़ाई था। ठीक है बाय, ना ना तू जा बाय। कहीं जाती मैं रूम गए गई, ये भी बड़े टाइम के बाद मिला मुझे आज। पहुँच गई मैं अभी गाइस पानी के रूम और गाइस तक की मैं आते आते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाओ। देखो गाइस बुआ के प्लांट्स दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो सुंदर सुंदर से आ गए गाइस। देखो ये तो खिल भी गए हैं और गाइस उसने दरवाजा पहले खोल के रख दिया है कि वो आएगी। और गाइस पर मैं ऐसे बजाने आ रही हूँ, मैं भी पहले बेल बजाऊँगी फिर वो आएगी जाने के। हेलो पांडे, हेलो पल्लू। हाँ मेरा बैग कहाँ है? फेंक दिया, फेंक दिया इसने मेरा बैग। जब पांडे लेके मेरे को ना, हाँ है ना, हाँ ऐसा क्यों किया तूने? क्या जा नमस्ते आंटी जी, बढ़िया तू सुना बढ़िया बढ़िया। क्या एक्टिंग मार रही बुआ? हाय गाइस, बुआ देखा खा गाइस, बुआ भी खुद को देख रहे हैं गाइस, बुआ एटीट्यूड दिखा रहे हैं और गाइस पांडा मार खाना लगा रहा है गाइस। मैंने बोला कि बोला हम लोग आ गए अभी नीचे और ये देखो गाइस जो 3 छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों की गेम खराब कर रही है गाइस, बच्चों की गेम खराब कर रही है। गाइस पांडा मारा जब पानी भर रहा है गाइस, पानी नहीं था ऊपर हम खाने बैठ गए, फिर गाइस इसको याद आई कि नहीं पहचानते हो ना। हेलो मुन्नू, हेलो कर, हेलो हेलो कर, हेलो कर, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो? सुन बात नहीं कर रहा गाइस, हेलो काशवी, अच्छा करो हेलो करो तो गाइस अभी खेलने में बिजी है ये। वाह वाह दे बिरबल एक बॉटल, अद्धी पारी पागल बस कर मत खेल जी, बच्चे गेम को खराब करा दी, चल जाता तब मार मार ज्योति मार ज्योति। अब हम करेंगे गाइस डिनर और गाइस फिर मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने, क्योंकि गाइस मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। गाइस बहुत अच्छी बात है।
गाइस अंशु बोल रही थी कि मेरे को ऐसा कब सुनने को मिलेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा कब बोलेगी तू। अरे कही ऐसा बोलना तो बहुत मुश्किल का काम है, ऐसा तुम बोल नहीं सकते कभी भी। देखो गाइस बोटन बोटन है गाइस, ये बोटन बोटन खाना खाओ गाइज। गाइज क्या बनाया है गाइज, इसको उठाना जरा, चने की दाल यूज कर देते हम डिनर। अब बच्चे ने गाइज तो भी हमने ना खाना वगैरह खा लिया। और गाइज ये देखो मेरा ब्लॉग देख रही है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो भी देख लो गाइज जाके, हमने दोबारा से डांस करा हुआ है। और गाइज अब हमें पता नहीं कब डांस करने चुप रहा है तू, दोबारा मिल जाएगा गाइस, हम परेशान हो गए हैं। और गाइस हमारे बुआ जी पढ़ने गए अब, हमें भी पढ़ाएंगे। सितंबर तो शुरू होना, दिसंबर तक डांस चले। सितंबर ते नीड़े हां आ प्रैक्टिस कदी कीती शुरू इस वजह तो लेट हां मेरा ख्याल। दिमाग आया नहीं अक्टूबर च लगे करने, फ्रेशर के बाद नहीं हुआ है सब। हाँ गाइस सितंबर में लगे हैं हम डांस करने, सितंबर भी नहीं मेरे ख्याल से भी एंड है। ओ सितंबर से लगे हैं करने का, नहीं याद कर फिर अक्टूबर से बोले। हाँ जो 8 की 9 तारीख का जाना, हाँ 25 26 लगे हैं करने। हाँ तो इस पाल में पास 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 बहुत पावर में तो हम लड़े पढ़ने लगा ना मेरे। ओ ओके मैम ओके मैम ओके मैम ओके मैम ओके मैम गाइस। और अभी हम ना गाइस पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मेरे को आ रही नींद, मैंने जाना सोना। सुबह उठ के देखूंगी गाइस, बहुत नींद आ रही, कुछ पता नहीं लग रहा। और गाइस ब्लॉग को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो ठीक है फिर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू पायल शर्मा ब्लॉग्स। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। क्या क्या बाय गाइस बाय गाइस। ये गाइस अभी ब्लॉग देख रही है, ब्लॉग देखने में बिजी है। बाय बुआ, बुआ भी बर्फ खा रहे हैं। निकलो निकलने गए, निकल गए बुआ, बाय बाय।